सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक ईजी में। तो दोस्तों, हमारे चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल और हम सीख रहे थे फोटोशॉप के तमाम टूल्स के बारे में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप पार्ट 13 में, यानी 13वें अध्याय में। और हमने जो टूल्स के बारे में सीख लिए थे, जो सारे टूल्स के बारे में पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था, वो ब्रश टूल के रिप्लेस, कलर रिप्लेसमेंट टूल और क्लोन स्टेम टूल के बारे में हमने सीख लिया था। अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो है स्ट्रिप ब्रश टूल। स्ट्रिप ब्रश टूल पहला, तो ये जो ऊपर वाले जो टूल्स थे वो हमने सीख लिए। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट में लिंक दी है वर्कशॉप की पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप वहां से जाके जो आपकी वीडियो को छूट गई है तो वहां से देख लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप डाउनलोड लिंक दी है जो कि मेरे गूगल ड्राइव से कनेक्ट है, वहां से आप वो व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। 13 MB फाइल है और फिर उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली फोल्डर इंस्टॉल करना है, जैसे कि आप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। और क्या करना है कि देखिए, मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप उसे इंस्टॉल करेंगे। एक बार के लिए छोटा सा मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग बता देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली उस इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉलेशन पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का जो आपको आइकन है वो डेस्कटॉप पर नहीं प्राप्त होगा, जैसे सारे सॉफ्टवेयर का प्राप्त है। रीजन इसका ये हो जाता है कि ये फोटोशॉप की फाइल मैं आपको छोटे रूप में करके दे रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक बड़ा रूप ले लेगी, 300 400 500 MB का रूप ले लेगी। तो वो थोड़ा सा आपको हेवी पड़ेगा। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सामने फोल्डर सिलेक्शन को मांगेगी, तो आप लोकल डिस्क से सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिसमें आपको विंडो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो उससे सिलेक्ट कर दिए, ओके हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा। और ओके करते ही आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोकल डिस्क सी में फोटोशॉप पोर्टेबल इस नाम से जो है आपका फोल्डर बनेगा, वहां पर आप जैसे क्लिक करोगे उसमें फोटोशॉप आपको दिख जाएगा, फोटोशॉप पोर्टेबल, उसको ओपन कर लीजिएगा। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं एक बार दिखाता हूँ किस तरह का फोल्डर बन के आता है। देखिए दोस्तों, इसमें मेरे लोकल डिस्क सी में है, यहाँ पर आप देखेंगे फोटोशॉप पोर्टेबल, सॉरी, इस यहाँ से मैंने उसको हटा दिया था। तो आपके यहाँ पर इस डिस्क में आ जाएगा फोटोशॉप पोर्टेबल नाम से बना हुआ, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, मैंने कहीं और पर बनाया था, मतलब मैंने डेस्कटॉप पर दूसरे अकाउंट में बनाया था। तो इस तरह का देखो फोटोशॉप पोर्टेबल आ गया, और सिंपली इस तरह का फोल्डर बनकर आ जाएगा और आप इसे ओपन कर लीजिएगा, तो फोटोशॉप आपका ओपन हो जाएगा। चलिए सीख लेते हैं एक बार टूल्स के बारे में। टूल्स के बारे में आज हम सीखेंगे स्ट्रिप टूल्स के बारे में, स्ट्रिप ब्रश टूल और आर्ट स्ट्रिप ब्रश टूल के बारे में। तो सीख लेते हैं। सबसे पहले इसको सीखने के लिए कोई भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। सिंपली हम पिक्चर कहीं से भी ले लीजिए, जैसे मैं अपने चैनल की कोई इमेज ले लेता हूँ आपको सिंपली सिखाने के लिए। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं अपने हिसाब से, जिसको आपको एडिट करना है, जिस पर इफेक्ट डालना है, तो आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे मैं स्टाइल में से कोई भी इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये इमेज मैंने ले ली, इमेज मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब स्ट्रिप ब्रश टूल एक्चुअली क्या करता है? स्ट्रिप ब्रश टूल ये करता है कि आपकी जो भी आपने इमेज पर वर्क किया है उस वर्क को रिकॉर्ड करके रखता है, और उस वर्क को आप वापस देख सकते हो या फिर उस वर्क पर वापस आ सकते हो। एक्चुअली स्ट्रिप ब्रश टूल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस टूल पर कोई कलर वगैरह कर लेता हूँ, इससे देखिए, जैसे मैं इस टूल से जो है ब्रश टूल से एक बार के लिए मैं इस पर को थोड़ा कलर रिप्लेसमेंट का थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। सिंपली हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, देखिए नीचे से इसका कलर जो है चेंज कर लीजिए। यहाँ पर रेड सिलेक्ट है, इसे ब्लू कर लेते हैं एक बार के लिए, तो आप ब्लू कर लेंगे। और अब यहाँ से इसे थोड़ा सा ब्लू कर लीजिए। हम जो है प्रॉपर कलर ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा 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 आप इसे कर लीजिए इस तरह से। मैं अच्छे से आपको सिलेक्ट करके नहीं बता रहा हूँ, अभी इसी तरह होगा, ज़्यादा आपको प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं करेंगे, जितना भी होता है उतना रहने दीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा बाहर निकलता है तो आप निकलने दीजिए उसे। ये हैंड्स भी आ गए थोड़ा, ये देखिए इस तरह से इसका जो कलर है ब्लू हो गया। तो अब क्या होता है कि ये हमने ब्लू करके देख लिया, अब हमें देखना है कि यार ये कलर भी ना हटे और इसके ऊपर हम ग्रीन कलर भी करके देखना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए वो आप जो आपने वर्क किया ना इसको, स्ट्री जो ये स्ट्री टूल है, स्ट्री ब्रश टूल वो रिकॉर्ड कर चुका है, तो अभी ये वर्क वहीं पर सेव रहेगा। लेकिन उस सेव करने के लिए आपको सिंपली स्ट्री ब्रश टूल का यूज लेना पड़ेगा। स्ट्री ब्रश टूल के लिए हम इस स्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, और स्ट्री ब्रश टूल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखिए ये इरेजिंग इश्यू आ जाएगा, तो आप इसे सारे को इरेज कर दीजिए।
जितना भी आपको चाहिए वो आप इरेज कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये इरेज कर देगा आसानी से। और यहाँ से विंडोज में सिलेक्ट करके आपको हिस्ट्री का नाम का जो है ऑप्शन मिलेगा ये वाला, तो इस हिस्ट्री पर आप क्लिक कर दीजिए। हिस्ट्री पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने एक फाइल ओपन होगी। इसे ड्रैग करके थोड़ा लंबा ले लीजिए। ये जो भी आपने वर्क किया है वो रिकॉर्डेड है, जो आपने वर्क किया है वो रिकॉर्ड है। एक बार के लिए देखिए, पहला वर्क, दूसरा वर्क, तीसरा वर्क। देखिए नीचे से आप देखोगे यहाँ पर देखिए वर्क दिखाता जा रहा है जो भी हुआ था। एक बार के लिए सभी को मैं डिलीट करके आपको फिर से बता देता हूँ। तो इसके लिए हम सारे के सारे वर्क्स को एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से इफेक्ट दिखा पाऊँ किस तरह से रिकॉर्ड करता है। तो आप सभी को सिलेक्ट करके जो है डिलीट कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए। अब किस तरह से देखिए इस पर ये नीचे वाला इफेक्ट है, सिंपली देखिए मैं टूल सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने पहले किया था। तो इसके लिए हम जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए ये मैंने जिससे रिकॉर्ड करता हूँ फर्स्ट क्लिक छोड़ी, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरी क्लिक मैंने छोड़ी, ये देखिए दूसरी क्लिक छोड़ते यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर ये कलर ये देखिए यहाँ तक कलर कर लिया, जिससे छोड़ूंगा आप यहाँ पर हिस्ट्री बार में देखिएगा, ये देखिए रिकॉर्ड हो गया जो वर्क मैंने किया वो रिकॉर्ड हो गया। ये देखिए इस तरह से रिकॉर्ड हो चुका है। ये देखिए ये देखिए ये मैंने यहाँ पर वर्क किया थोड़ा बहुत, तो ये इस तरह से जो है रिकॉर्ड हो चुका है। ये देखिए रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने प्रॉपरली जो इस ड्रेस का डिजाइनिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप मान लीजिए कि इसका डिजाइनिंग जो है चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैं आपको इसके यूजेज बता रहा हूँ। ड्रेस को रिप्लेस कैसे करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से देख लीजिएगा आप। तो इस तरह से देखिए ये सारे के सारे रिकॉर्ड करता जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि यार इससे ये ऐसा का ऐसा रहे और इस पर हम ग्रीन कलर करके देख ले कि ये यार इस पर ग्रीन भी कैसा लगे, फिर और कलर और काम इस पर करके देख ले, कुछ भी इसमें रिप्लेस करना हो वो करके देख ले। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस पर जो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे एक स्नैपशॉट क्लिक हो जाएगा। स्नैपशॉट आप अर्थ से देखोगे स्नैपशॉट यानी आपकी जो इमेज का शॉट ये ले लेगा, जो आपकी आपने अपनी इमेज पर जो डिजाइनिंग की है या फिर सिलेक्शन किया है, इमेज को गोरा किया है, काला किया है, रंग कलर वगैरह जो भी डाला है उसका स्नैप ले लेगा और उसको रिकॉर्ड रखेगा। और उसके बाद में आप इस इमेज को छेड़छाड़ भी करते हो तो वो सिंपली वो आप उसे वापस भी ले सकते हैं। देखिए इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखोगे एक बन चुका है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट बन चुका है। तो स्नैपशॉट पर कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से क्लिक करने दीजिए और इसे इरेज जो यहाँ पर इरेज करने के लिए आपको स्ट्रिप ब्रश टूल पर चले जाइए। अब सिंपली ये देखिए स्ट्रिप ब्रश टूल का यूज लेकर आप इस वर्क को हटा सकते हैं और इस पर ग्रीन करके देख लेते हैं। बड़े कोष्टक से आप इसे इसके साइज को बड़ा कर लीजिए। ये देखिए इसे थोड़ा सा इसे अब इसे सिंपली आपको हटा देना है। ये देखिए रिकॉर्ड भी फिनिश होता हुआ जा रहा है। ये जो नीचे से जो नहीं हटाया क्योंकि ये मैंने पहले से सेव कर लिया था इसलिए नहीं हटाया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये डिलीट होता हुआ चल रहा है। तो इस तरह से आप सभी को जो है डिलीट कर सकते हैं अच्छे से। और ये जो डिलीट नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से जो है सेव्ड थे, तो इससे भी हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो ये कलर भी जो है नीचे वाला धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। जो भी आपके वर्क किया है वो सारा का सारा डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने एक न्यू इमेज ओपन है। अब इस पर हमें वर्क करना है, इस पर हमें कोई भी, अब देखिए इस पर मैं ग्रीन कलर कर लेके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज करके इस पर दूसरा कलर कर लेते हैं। ये मान लीजिए इस पर ग्रीन कलर करके देखते हैं तो जचेगा ना जचेगा ये बाद की बात है, पहले हम इसे मान के कर लेते हैं इस पर। ये देखिए यहाँ से देखिए ये देखिए इस तरह से इस पर देखिए ग्रीन कलर कर लेते हैं इस तरह से। प्लस का जो है अंदर ही रहने दें, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। सिंपली बाहर निकल जाए तो ज्यादा आप इश्यू न ले कि यार अच्छे से हुआ नहीं है, आपको मैं करके एक दिखा रहा हूँ। नॉर्मली आप मान लीजिएगा क्योंकि कलर ड्रेस को किस तरह से रिप्लेस करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। बिल्कुल एज इट इज आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, ड्रेस को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल क्वालिटी से चेंज कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब आप ये जानते हो यार इस पर ग्रीन अच्छा नहीं लगा, ब्लू अच्छा लग रहा है, तो अब ब्लू को वापस देखना है आपको। सिंपली आप इसका भी एक बार के लिए जो है वो ले लीजिए स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि ये भी यदि आपको अच्छा लगे तो बाद में देख सके। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपकी इमेज पर वापस लौटाए उसी वही डिजाइनिंग के साथ, तो आप यहाँ पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। और यदि आप इसे भी रखना चाहते हैं, देखिए तीनों के तीनों सेव्ड हैं, तो आप इसे भी रखना चाहते हैं तो इसे स्नैपशॉट बना लिया। अब कुछ नहीं करना, न्यू इमेज पर नया वर्क शुरू कर दीजिए, यहाँ पर और कलर शुरू कर दीजिए या मान लीजिए कुछ सिलेक्शन करना हो वो कर दीजिए। ये देखिए मैजिक टूल से कुछ भी सिलेक्शन वगैरह कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लिया,
या फिर ये बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर लिया। ये बैकग्राउंड का सिलेक्शन हो गया तो आप अब इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ये देखिए मैजिक बैंड यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका, बैकग्राउंड का स्नैपशॉट ले लीजिए। ये देखिए स्नैपशॉट हो चुका। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए कुछ नहीं हुआ, स्नैपशॉट 3 देखोगे, इसमें सिलेक्टेड जो आपने वर्क किया था सिलेक्शन है वो वैसा का ऐसा बना हुआ है। सिंपली अगर बैकग्राउंड को डिलीट करना है तो आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपका बैकग्राउंड जो है थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद में डिलीट हो जाएगा, ये तो मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ। तो आप इसको तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए कि आप किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये देखिए पूरा का पर जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है ना फीलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी इसलिए इस तरह से बता रहा है। तो आप देखेंगे ये जो बैकग्राउंड है अलग से कटकर हो चुका है। तो आप इस बैकग्राउंड चेंजिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले में भी इसके बारे में बता भी चुका हूँ, पिछले वाली वीडियो देख लीजिए। तो अब मैं आपको इफेक्ट बता के बता रहा हूँ। तो ये जो आपकी इमेज पर वर्क हुआ है इसे आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से स्नैपशॉट बना लीजिए। चौथा स्नैपशॉट बन चुका है, पहले इमेज पर आप वापस आ गए, इस इमेज पर वर्क करना है यहाँ पर वापस आ गए, इस पर वर्क करना है यहाँ पर वापस आ गए, इस पर वर्क करना है यहाँ पर वापस आ गए और इस पर वर्क करना है यहाँ पर वापस आ गए। इसलिए एक्चुअली ये जो डिलीट वाला है वो मैंने इसलिए कहता था कि आप अच्छे से देख सकें, तो यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं। तो ये था इसका वर्क। उसके बाद में जो था स्ट्री ब्रश टूल का दूसरा जो टूल था आर्ट हिस्ट्री टूल, एक्चुअली इसका यूज था आर्ट बनाने के लिए। आर्ट का मतलब है को कला वगैरह बनाने के लिए। मैंने अपने करियर में कभी इसका यूज नहीं लिया क्योंकि इसका बहुत ही कम यूज होता है मैं, लेकिन आप फिर भी बहुत गहराई से जानना चाहते तो कमेंट कीजिए, मैं इसकी रिसर्च करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज दे देता हूँ। सिंपली अपनी इमेज पर वापस आ जाते हैं तो आर्ट हिस्ट्री टूल को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो यहाँ पर बता रहा है कि ये स्ट्री टूल यूज नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्री स्टेट, ये देखिए डिजिटेड बता रहा है सक्सेस फॉर पेंटिंग, यहाँ पर इसके लिए पेंटिंग के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर इसको डुप्लीकेट बैकग्राउंड में करेंगे। ये देखिए डुप्लीकेट जैसे बैकग्राउंड मैंने बनाया, तो इस तरह से इस आर्ट टूल का यूज करते हैं कि इस इमेज को जो है हम क्रिएट कर सकते हैं किस तरह से, कि इसको आर्ट के रूप में एक आर्ट का रूप दे दिया जाता है और आर्ट के रूप में हम इसे आसानी से यूज कर पाते हैं। मान लीजिए इसे मैं कट कर देता हूँ और कोई नई इमेज खोल लेता हूँ। ये देखिए अब आपके सामने ये जो इमेज आ रही है तो इस पर आर्ट ब्रश टूल काम कर रहा हो, उस पर काम नहीं कर रहा था। उसका रीजन ये था कि उस पर हम पहले से बहुत सारे वर्क कर चुके हैं और जो स्ट्री टूल्स था उस पर एक्टिवेट था, इसलिए ये टूल वर्क नहीं कर पा रहा था। तो आप पहले उसे एंटर करके उन सेटिंग्स को सेव कर दीजिएगा जो आपने पहले इस पर की है, ताकि आप इसका यूज कर सके बड़े कोष्ठक से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब आर्ट एक्चुअली किस तरह से बनता है वो देख लीजिए। ये देखेंगे बुल्लर सा हो गया थोड़ा बहुत, ये देखिए देखिए इस तरह से आर्ट बनता है। ये देखिए इस तरह से आर्ट्स बनता है। तो मान लीजिए कोई कंट्रोल एन करके कोई नई इमेज ले लेते हैं हम, ये वाली। और तो देखिए इस पर ये बिल्कुल भी काम वर्क नहीं कर पा रहा है ना। तो इस तरह की आप इसे आर्ट टूल ले सकते हैं। इसका ज्यादा यूज तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्ट को बनाने के लिए क्या जाता है। ये देखिए थोड़ा बहुत से मूर्ति टाइप में, जो कला के टाइप में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, वही टूल यूज है इसका। ज्यादातर जो मैंने बताया था कि कलर मिक्स टूल्स का जो यूज बताया था उसी तरह का इसका यूज है, और कोई खास यूज इसका हमें मिला नहीं अभी तक। लेकिन फिर भी मैं रिसर्च करूंगा, यदि आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, हम अगले टूल्स के बारे में सीखेंगे, जो इरेज टूल है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इरेज टूल, बैक ग्राउंड इरेज टूल और मैजिक इरेज टूल, इन सभी के बारे में सीखेंगे। बहुत ही अमेजिंग टूल है। यदि आप फोटोशॉप की सीरीज से बोर हो रहे हो तो प्लीज बोर न हो, क्योंकि आप सीरीज बाय सीरीज देखिए और आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। आप डेली का एक ही वीडियो देखिए, आप सारा खाना एक साथ खाना चाहते हैं तो आपस तो होगी ही, तो आप डेली का एक ही वीडियो देखिए, बोर नहीं होगा। 15 मिनट का, आप 15 मिनट की क्लास तो ले ही सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहे ताकि आप बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल सीख सके। तो आप कुछ तो सीखिए जो अच्छा सीखिए, थोड़ा सीखिए पर अच्छा सीखिए, क्योंकि इसमें थोड़ी बोरिंग तो फीलिंग होगी आपको, लेकिन आप कुछ करने लायक बता सकते हो किसी को कि मैंने फोटोशॉप सीखा। और फोटोशॉप कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, आज के टाइम पर बहुत ही हाई लेवल सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यकीन मानिए मुझे इस सॉफ्टवेयर को सीखने में 1 साल लग गया था, 1 साल, 1 ईयर। आपको मैं टॉपिक वाइज कोर्स तो दे रहा हूँ, मेरे पास तो बुक्स ही बुक्स आई थी, फर्स्ट मैंने इसमें पढ़ा था। तो पहले तो मैंने इन टूल्स का नाम ही सीखा था बहुत दिनों तक, उसके बाद में मुझे मैंने प्रैक्टिकल पर बैठा था तो बहुत बोरिंग फील होता था, क्योंकि ये मेरे को इतना बताने वाला नहीं था।
फिर मैंने सेंटर से ज्वाइन करके बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, तब जाके फोटोशॉप सीखा था और 1 साल लगे थे सीखने में। उसके बाद में मेरे को इसमें बहुत मजा आने लगे कि आगे जाके इसमें ऐसे टॉपिक है एडवांस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे वेडिंग डिजाइनिंग करना है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ऑटोमेटिक इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो बोर न होइए, ये बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। तो मैं आपको सीरीज सभी देखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि आप उन सीख सके टेक्नोलॉजी के बारे में और वो कंप्यूटर की सब सारी सीरीज के बारे में। और मैं और भी कोर्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जैसे आप घर पे बैठे ही सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।